हेलो भाई, स्वागत है आपका वंशवर्ती की नई वीडियो में। आज मेरे आगे खड़ी है मर्सिडीज़ की GLC 220D डीजल वेरिएंट। इसमें आपको 2000 सीसी का इंजन मिल जाता है, 194 bhp और 400 nm का टॉर्क के साथ। आज इस गाड़ी के हम ना नेगेटिव्स देखने वाले हैं। ये 80 लाख रुपए की गाड़ी पड़ जाती है। और इस गाड़ी में क्या क्या बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ हमने पहले वाली वीडियो में देख ली। जो बुराइयाँ हैं वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 80 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी ओनर को क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही हैं। ये ओनर है, आपने इनको ओनरशिप वाली वीडियो में देखा होगा। तो आज इस वीडियो में हम उन दिक्कतों को देखेंगे और ऐसी इसमें की आती है। सबसे पहली जो दिक्कत है वो हम गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं। और ये मान लो हमने गाड़ी स्टार्ट कर दी, गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। और मान लो हमने गेट बंद कर दिया, हम चाबी लेके अंदर बैठ गए, है ना। तो यहाँ पे जो मेन दिक्कत है ना, वो फ्यूल टैंक की है। देखो, गाड़ी स्टार्ट है, मान लो जाम में खड़े हुए हैं और कोई यहाँ पर आके दबा जाता है तो ये खुल जाता है। गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी में आपको दिखा देता हूँ, गाड़ी स्टार्ट है। देखो, गाड़ी स्टार्ट है, आप साउंड सुन सकते हो। और ये गाड़ी स्टार्ट होने के बाद भी खुल जाता है और कोई भी इसे खोल सकता है। और ये डीजल वेरिएंट है, यहाँ पे डीजल की बैटरी आ जाती है और DEF फिल एड ब्लू फिल करने में यहाँ जगह आ जाती है। अगला जो इसका नेगेटिव है वो है इसमें कंपनी ने हाई बीम, लो बीम और वाइपर का दे रखा है। नॉर्मली क्या होता है, जब हमें वाइपर साफ करने, मतलब विंडस्क्रीन साफ करनी होती है, तो हम इसे ना ऐसे दबाते हैं। तो ऐसे दबाने पे इसमें क्या होता है कि यहाँ देखो आप, हाई बीम चालू हो रही है। आगे आप गाड़ी में देख सकते हो, हाई बीम चालू हो रही है। अगर हम इसे यहाँ पे पानी मारना साफ करना ना, तो ये दबाना पड़ता है हमें, तो इससे वाइपर चालू हो जाते हैं। ये जो नेगेटिव है इसमें है, और इसकी पॉजिटिव वाली वीडियो में मैंने सब कुछ समझा रखा है, वो आप जाके देख सकते हो, इससे पहले वाली वीडियो। और ये जो नेगेटिव है ये इस गाड़ी में है। अगला जो है, वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है भाई इस गाड़ी में। 80 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आती इस गाड़ी में। सीट्स नो डाउट बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। सीट आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से सीट आगे हो जाती है, पीछे हो जाती है, यहीं से एडजस्ट हो जाती है, लेकिन इसमें वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। इसमें मसाजिंग सीट्स का भी ऑप्शन है, लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स भी कंपनी को देनी चाहिए थी, जो कि इस गाड़ी में मिसिंग है। अब वेंटिलेटेड सीट्स भाई फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में भी आ जाती है, जो कि 50-52 लाख रुपए की गाड़ी है, 45 लाख रुपए की 4x2 डीजल ऑटोमेटिक में भी वेंटिलेटेड सीट्स दे रही है, लेकिन मर्सिडीज़ की इतनी महंगी गाड़ी, 80 लाख रुपए की गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आ रही। तो इस चीज़ को कंपनी को देखना चाहिए। बाकी गाड़ी का हॉर्न बढ़िया है और सब चीज़ें बढ़िया हैं। अब अगला जो है वो मैं बताता हूँ आपको। अगला जो है ना, वो इसमें ऑटो स्टार्ट स्टॉप का है। ये बटन है, जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है, जिससे क्या होता है, अगर हम जाम में रुकते हैं तो गाड़ी अपने आप बंद हो जाती है। तो वो चीज़ है ना, AC जब हम गाड़ी का ऑन होता है तो कूलिंग में इफ़ेक्ट डाल देता है और ये बंद हो जाता है। जब हम गाड़ी ऑन करते हैं तो अगर हमें ये बंद करना है ना, तो यहाँ से हमें मैनुअली बंद करना पड़ता है। अभी ये ऑन था, ऑन हो गया, अभी बंद कर दिया हमने। तो ये इसका नेगेटिव है। इसकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होनी चाहिए इसमें से, बाकी वो हो नहीं पाती। अब अगला जो है ना, वो है USB Type-C वाले पोर्ट। पूरी गाड़ी में ना USB Type-C वाले पोर्ट दे रखे हैं। जो नॉर्मल वाला पोर्ट है वो कहीं दे ही नहीं रखा है USB वाला। पीछे चार्जिंग सॉकेट दे रखा है 12 वोल्ट का, उसके अलावा कोई नहीं है गाड़ी में चार्जिंग सॉकेट। तो ये भी जो है, अगर किसी के पास एंड्रॉयड यूज़र है, कोई एंड्रॉयड यूज़ करता है, तो उसके लिए बड़ी समस्या वाली बात है। और यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग भी आती है, यहाँ पर आपका iPhone 14 Pro Max आराम से फिट हो जाता है, इतनी जगह है। और यही थी इसकी जो कमियाँ हैं गाड़ी की। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।